तो गाइस कैसे हो आप सब, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। गाइस बात करेंगे हाल फिलहाल रिलीज हुई पंजाबी कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म पानी च मधानी। गाइस जैसा सोचा था इस फिल्म को लेकर, यार ये फिल्म वैसी बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं कर पाई बॉक्स ऑफिस पर। जी हाँ, एक्चुअल में गाइस आपको बता दूँ, इंडिया में इसको ना के बराबर रिस्पॉन्स मिल रहा है। बिल्कुल सही सुन रहे हो, कारण आपको बता दूँ गाइस, नॉर्थ इंडिया में पूरे सूर्यवंशी लगी हुई है और सूर्यवंशी का ही बोलबाला है। इवन आपको बता दूँ गाइज, जो थिएटर्स पंजाब के अंदर सूर्य उसको पानी च मधानी को मिलने चाहिए थे, वो भी सूर्यवंशी को दे दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हो यार कि ये फिल्म ना के बराबर इंडिया के अंदर रिलीज हुई है। और इन फिल्मों के चलते जो फिल्म थी हौसला रख, उसके 90% शोज कैंसिल हो गए हैं। तो आप समझ सकते हो यार, दिवाली का माहौल है तो ये तो चलता रहेगा, अपन कंटिन्यू करते हैं। वेल आपको बता दूँ गाइज, ये फिल्म इंडिया के अंदर केवल और केवल 1.25 करोड़ का कलेक्शन कर पा रही है बस। अगर ओवरसीज़ की बात करें तो ओवरसीज़ में मार्केट में केवल और केवल कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहां पर इस फिल्म को धमाकेदार रिस्पांस मिल रहा है। जी हाँ, इसके अलावा भी कंट्रीज़ में ये चल रही है, लेकिन गाइज आपको बता दूँ हर तरफ इंडिया के अंदर तो खासतौर पर सूर्यवंशी का बोलबाला है, सभी थिएटर्स हाउसफुल जा रहे हैं कंटिन्यूसली। तो आप समझ सकते हैं यार कितना बुज बना हुआ है सूर्यवंशी का हाल फिलहाल। लेकिन फिर भी बात करें पानी च मधानी के अभी तक के टोटल कलेक्शन को लेकर, ये फिल्म पहले दिन का क्या कलेक्शन आ रहा है इसका निकल के, तो आपको बता दूँ गाइज ये फिल्म ओवरऑल लगभग से लगभग 2.5 से 3 करोड़ कलेक्शन कर रही है अपने पहले दिन। अगर नाइट शोज गाइज अच्छे जाते हैं तो मान के चलना इसका जो कलेक्शन आ जाएगा 3 करोड़ के आसपास नॉर्मल आ ही जाएगा। इससे ज़्यादा इसका कलेक्शन पहले दिन का नहीं आने वाला है, ये चीज़ तो कन्फर्म है। 3 से 3.5 करोड़ तक का इसका मैक्स कलेक्शन होगा अपने पहले दिन, क्योंकि ये फिल्म ओवरसीज़ कंट्रीज़ में कलेक्शन कर रही है, इंडिया में नहीं। 1.25 करोड़ लास्ट है इंडिया से, क्योंकि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया हर तरफ सूर्यवंशी का बोलबाला है हाल फिलहाल। क्योंकि गाइस सूर्यवंशी बन चुकी है बॉलीवुड की सबसे हाईएस्ट ओपनर फिल्म, जी हाँ 62 करोड़ के कलेक्शन के साथ। वेल बात करें अब पानी च मधानी को लेकर, लीडिंग कास्ट में नजर आया यार गिप्पी ग्रेवाल, नीरू बाजवा, जो कि हमें 10 साल बाद किसी फिल्म में नजर आए। लास्ट बार इन्हें देखा गया था मेरी फेवरेट फिल्म, बोलते हैं उसका टाइटल है यार लक्की दी अनलक्की स्टोरी नहीं, जिन्हें मेरे दिल लुटिया फिल्म का टाइटल था, जिसमें ये आखिरी बार देखे गए थे और उसमें दलजीत दोसांझ भी थे। वही गाता है, फिल्म काफ़ी अच्छी है, पब्लिक की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, पर कहते हैं ना थिएटर्स इसको अवेलेबल नहीं है इतने ज़्यादा, तो ये फिल्म ज़्यादा कलेक्शन नहीं कर पाई, बस यही बात है। और आपकी क्या राय है फिल्म को लेकर, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा आपकी अपनी राय। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।